जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद होने के कारण हजारों ट्रक उधमपुर में फंसे हुए हैं। संगूर क्षेत्र में फंसे ट्रकों के ऊपर अचानक से एक बरगद का पेड़ गिर गया। हालांकि हादसे में किसी को हानि नहीं पहुंची, किसी को नुकसान नहीं हुआ, पर पेड़ की चपेट में आने से कुछ ट्रकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। ट्रक चालकों का कहना था कि पेड़ गिरने से उनके ट्रक में लोड सामान का खासा नुकसान हुआ है। उन्होंने बताया कि इसके बावजूद प्रशासन का कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं आया। समझ है, हम फंसे 6 दिन से यहाँ पे ही। हम बटल मोड़ में पहले फंसे थे, अब दूसरे कानवाई यहाँ तक लाई कल शाम को, फिर कल शाम से हम यहाँ ही खड़े थे। जो हमारे से पीछे गाड़ी थी वो हमसे पहले पहुँच गई कश्मीर। हम 6 दिन से फंसे हैं यहाँ ही, मगर सारे कुछ किया ट्रैफिक वालों ने। हमारे परेशानी ये, पहले परेशानी ये हमारी है जो हमारी गाड़ी यहाँ लाइन में रखते हैं, जो गाड़ी बाहर से आते हैं आउटिंग करके, वो गाड़ी हमारे से पहले जाती है। जो हम बैठे ना यहाँ लाइन में, जो हम गाड़ी जो आउटिंग करके आते हैं वो हमारे से पहले पहुँचते हैं घर में। हमारे मालिक बोलते हैं जब ये हम आपसे बाद में गई थे, आपसे पहले आए थे, आप कहाँ था इस वक्त। और दूसरी प्रॉब्लम है, यहाँ से हमको ना पानी मिल रहे थे, ना यहाँ से कुछ मिल रहे थे। और दूसरी प्रॉब्लम है, यहाँ तो बनी नाला पंप है, वहाँ से खाद वाली गाड़ी जाती है, 600 गाड़ियाँ जाते हैं उधर तेल डालने के लिए, वो पूरा रोड जाम कर रहे थे। हमारी ये जो गाड़ी यहाँ खड़ी है थे 4 दिन की पहले से, ये तो क्रैश नहीं हो गए, वो गाड़ी जब तेल डालने गए थे वहाँ वही क्रैश हो गए, हमारी गाड़ी तो वहाँ ही।